मेरा एक ड्रीम था बट एक इंडिया खेलना है, वो मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो गया, बहुत खुशी हुई मेरे को। मैं शुरू तो 10th के बाद ही किया वॉलीबॉल, 10th के बाद प्लस टू के बाद ऐसे ही कॉलेज मैच रहता था। उस टाइम मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खेलता था, बट उसके बाद थोड़ा गैप हो गया कॉलेज के बाद। गांव में खेलना स्टार्ट किया, ऐसे लोकल गांव में लड़के लोग फ्रेंड्स लोग रहते हैं उनके साथ खेला, और ऐसे ही इंटरेस्ट आया मेरे को और अच्छा खेलने लगा। और ऐसे ही मैचेस को, लोकल मैचेस को उधर उधर सराउंडिंग गांव के तरफ मैचेस होते हैं उधर जाने लगा, और थोड़ा गेम भी इम्प्रूव हुआ। उसके बाद मेरे को SRM का ऑप्शन है। कैसे तो मेरे घर में तो मना किया, बट मैं इसे गांव में खेलता था, तो जब मैं बाहर जाने लगा जब मना कर दिया घर पे। मेरे घर पे एक काम है, बिजनेस रहता है, वो बिजनेस में एक फैक्ट्री के जैसा उसमें काम करना पड़ता है। जब मैं कॉलेज जाता था और आके घर पे काम भी करता था, जब उस टाइम में मेरे को सैटरडे संडे गैप मिल जाता, उस टाइम मैं गांव में खेलता था। उस टाइम मैं गांव में खेलता था ठीक है, जब कुछ नहीं बोलते थे मेरे को। जब मैं बाहर जाने लगा मेरे को मना कर दिया था वॉलीबॉल कि तू इतनी दूर तक मत जा, इधर ही घर के पास ही खेल ले और घर में ही रहो, ऐसे ही काम करते रहो, कॉलेज जाते रहो, ऐसे ही बोला था मेरे को। बाद में ऐसे ही मेरे को इंटरेस्ट आया, जब बाहर जाने लगा इनको भी गुस्सा आया और मना कर देते दे दी मेरे को। वो सिचुएशन थोड़ा प्रॉब्लम ही था फेस करने में। मेरे को कोई नहीं सिखाया, मैं ऐसे ही गांव में उनको देख देख के सिखाऊँ, बस उनको देख देख के सिखाऊँ और सीनियर्स लोग को देख देख के सिखाऊँ बस। स्कूल में मेरे को बोझ कोई नहीं था, जब मैं ऐसे ही लोकल खेलता था। बट एक बार ऐसे लोकल मैच होने के टाइम एक चेन्नई टीम उधर आई थी खेलने के लिए, जब हम उनके साथ फाइनल खेलते थे, जब वो मेरा छोटा एज ही था उस टाइम, जब वो देख के मेरे को ऐसे ऑफर किया, SRM ट्रायल्स होता है जाके ज्वाइन जा करके, ठीक है आप बता दो मैं आ जाऊँगा करके, मैं उनको बोल के वो नंबर पूरा लेके गया मेरे को, मेरे से। और वो मेरे को जाके उधर चेन्नई में जाके मेरे को कॉल किया ट्रायल से, दो दिन में ट्रायल से आ जा करके, ठीक है मैं आऊँगा करके, घर पे मैच है करके बोल के मैं निकल गया और उधर जाके ट्रायल्स दिया। ट्रायल्स में वो बताए दो दिन के बाद हम कॉल करेंगे ट्रायल्स देने के बाद। बाद वहीं घर पे आ गया, घर पे आने के बाद दो दिन के बाद मेरे को कॉल किया। अभी घर में तो पता नहीं था मेरे को छोड़ेंगे या नहीं, इसलिए वही घर में ठीक है वही, अभी एक नेशनल्स मैच चल रहा है, एक 7-8 दिन हो जाएगा आने के लिए, ऐसे ही झूठ बोल के निकल गया मैं हॉस्टल में। फिर हॉस्टल में जाके उधर कोच के कोच है दक्षिणावर्ती सर, वो बहुत सपोर्ट किया मेरे को, उधर ही था और घर पर कॉल किया। घर पर कॉल करने के बाद कहाँ 8 दिन हो गया, कहाँ तो कहाँ है तू, ऐसे ही बोलने लगे। मैं ऐसे ही बता दिया उनको, इधर हॉस्टल में हूँ, फ्री एजुकेशन है, पूरा फ्री है, बस मैं खेलना है बस मेरे को। और वही मेरे को 3-4 साल के बाद जॉब ऑफर करेंगे, छोड़ दो मेरे को, ऐसे ही बोला। बट नहीं माना था घर पे, 3-4 साल तक ऐसे ही पैसे रहेगा तो वो के, बट ऐसे ही उधर रहेगा था SRM में रहा। मेरे को पता नहीं था इतनी दूर तक आऊँगा, बट मैं SRM जाने के बाद ही बहुत सीखा, दक्षिणावर्ती सर बहुत सिखाया मेरे को। मेरे को जब भी पता चला वॉलीबॉल का इतना सब कुछ है, ऐसे लोकल में खेलते समय कुछ पता नहीं चलता है हमको, बस खेलते हैं आते, बट उसमें वॉलीबॉल में क्या क्या रहेगा, क्या क्या सीखना है, वो सभी मैं SRM में जाके ही सीखा, वो सिखाया मेरे को। और बहुत हार्डवर्क किया मैं, इतना हार्डवर्क किया मैं इसलिए इधर तक पहुँचा हूँ। जब इतना सपोर्ट नहीं था, अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है घर से, अभी कुछ नहीं बोलते, जहाँ भी चलो और अच्छा खेल के, और TV में भी आ रही है, घर पे भी देख रहे हैं और गांव में भी देख रहे हैं, वो सपोर्ट गांव में भी बहुत सपोर्ट है मेरा, और घर पे भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। मेरा तो अभी आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, उधर तो छुट्टी मिलना मुश्किल है मेरे को, और उधर जब मैच नहीं रहता है उस टाइम छुट्टी मिलता है हमको, उस टाइम छुट्टी में भी मैं इधर उधर लोकल खेलने चला जाता हूँ। अब ऐसे लीग प्रोफेशनल लीग आ जाते हैं, उसमें मैं आर्मी से परमिशन मांग के इधर आ जाता हूँ। जब घर में जा नहीं पाता, जब थोड़ा फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम, थोड़ा फील होता है घर पे भी नहीं जाता हूँ और इधर ही खेलते हुए, इधर फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, वो फीलिंग थोड़ा दूर हो जाएगा,
और खेलते हुए लोग अच्छा और बेस्ट प्लेयर वगैरह वैसा मिलता है जब थोड़ा फीलिंग दूर होता है। जा सकते हैं हम, अभी तो एशियन चैम्पियनशिप खेल के आए हमें और ये अच्छा एक्सपीरियंस मैच है मेरा और चांस देने से और अच्छा खेल सकता हूँ और अच्छा गाड़ी भी जा सकता। जब वॉलीबॉल स्टार्ट किया, जब मैं मोबाइल्स में ऐसे ही देखते हुए आ रहा हूँ, ऐसे इंडिया प्लेयर्स को इंडिया खेलने वालों को ऐसे ही देखते आ रहा हूँ, मेरा एक ड्रीम था बट एक इंडिया खेल मैच, वो मेरा ड्रीम सक्सेसफुल हो गया। बहुत खुशी हुई मेरे को। फर्स्ट मैच इनके चाइना के साथ खेला कम ईरान में, उधर वही मेरा इंडिया का फर्स्ट मैच था और सभी अच्छा है खेला, वही मेरा सक्सेसफुल मैच है। मेरा थोड़ा ब्लॉकिंग वीक था, ब्लॉकिंग और कोच ने मेरे को बुला के बताया तेरा ब्लॉकिंग थोड़ा ये है, उसको इम्प्रूव करना है और उसको उसके लिए प्रैक्टिस भी करवाया। और वो पता चलता है हमारा, वो जब हमको सिस्टम में दिखाते हैं हमारा वीकनेस क्या है करके, वो हमको पता चलता है जब हमारी उसको हम ठीक करना है, वो कोच ने सिखाया। ये लोग जैसे अभी बाइक मिस्टेक हो गया, फील नहीं करते, ठीक है नेक्स्ट लेंगे। जैसे अभी इंडिया में ऐसा है, एक पॉइंट चल जाने से थोड़ा फेस नीचे रख के क्या हो गया ऐसे सोचने लगते हैं, बट ये ऐसे नहीं सोचते हैं, पर इन लोग ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लेंगे और खुशी से खेलते हैं। पर वैसा खेलना है इंडिया वालों को, जब भी हमको खेल सकते हैं। मेरा हॉबी था स्कूल में कबड्डी खेलता था, जैसे स्कूल में वॉलीबॉल उतना नहीं खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। कबड्डी अपने में थोड़ा इंटरेस्ट था और ऐसे ही क्रिकेट में, क्रिकेट के बाद ही वॉलीबॉल स्टार्ट किया। इसके अलावा मूवीज देखता हूँ, ये बोल सकता हूँ एक नाम बनाना है। जैसे अभी इतना खेल रहा हूँ, सबको पता होना है एक अजमत करके एक प्लेयर था करके, वो पता चलने से मेरे को यही बड़ी बात है। उसने अपने गांव में तो बहुत प्लेयर्स हैं, अभी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं वो, बट हाइट है, बहुत हाइट है। बट मैं जब गांव में था उनको प्रैक्टिस भी करा रहा था सुबह, मैं भी ऐसे प्रैक्टिस जाता था, उनको भी साथ में लेके जाता, बस उनको बोलता हूँ इंटरेस्ट से प्रैक्टिस करना है, बट उसमें इंटरेस्ट दिखाना है, प्रैक्टिस में इंटरेस्ट दिखाना है। जब एक बंदा इंटरेस्ट प्रैक्टिस में दिखाता है वो ऑटोमेटिक उसको गेम आ जाता है, बस इनको इंटरेस्ट से करना है प्रैक्टिस। बैड हैबिट्स इससे थोड़ा दूर रहना है और थोड़ा मोबाइल, बच्चों जब हम सीखते हैं वॉलीबॉल थोड़ा मोबाइल से दूर रहना है, वो मोबाइल से दूर रहना है।